नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और वक्त हो चुका है आज सुबह की तरोताजा खबरों का। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज सुबह की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपका जानना बेहद आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर को। राजस्थान के सियासी घमासान पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। सीजे इंद्रजीत महांती जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में सुनवाई होगी। पायलट कैंप के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने बहस पूरी की और आज पायलट कैंप के वकील मुकुल रोहतगी अदालत में बहस करेंगे, जिसमें दोनों के नए पक्षकार भी बहस में शामिल होंगे। आज सुबह 10:30 बजे एडवोकेट मुकुल रोहतगी अपने दलीलों पेश करेंगे। सुनवाई के बाद ही अदालत अपना फैसला सुनाएगी। राजस्थान की सियासी जंग के बीच फोन टैपिंग के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए नोटिस दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर नोटिस भेजा गया। एसओजी ने अपने नोटिस में पूछताछ के लिए समय मांगा है। वहीं नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मेरे निजी सचिव के माध्यम से एक नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने मुझे अपना बयान और आवाज का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहले ऑडियो क्लिप की जांच करें और इसके सोर्स के बारे में बताएं। उन्होंने पूछा कि इसकी सत्यता क्या है और इसे सरकार ने रिकॉर्ड कराया है या नहीं। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच आज मार्क्सवादी पार्टी ने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक लॉकडाउन है। जनता की चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में भी दोनों दल होचलों में कैद थे। जनता की चिंता ना तो सरकार को है, ना ही मुख्य विपक्षी दल को। मार्क्सवादी पार्टी की ओर से ये बातें राज्य सचिव अमरा राम से राज्य की चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिशों की निंदा करते हुए कहा कि यहां जारी खरीद फरोख्त की बर्दाश्त में काबिल नहीं है। भाजपा की ऐसी फितरत रही है, कांग्रेस का भी ऐसा ही इतिहास रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के माध्यम से माकपा के प्रतिष्ठा पर चोट की जा रही है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ी तो माकपा कानूनी कार्यवाही करेगी। माकपा के फैसले के खिलाफ अगर उसकी पार्टी के लोग जाएंगे तो भी कार्यवाही की जाएगी। राज्य सचिव अमरा राम ने कहा कि बलवान पुनिया ने पार्टी का निर्णय तोड़ा तो कार्रवाई होगी। अभी बलवान पुनिया को बर्खास्त नहीं किया गया है और हमें उम्मीद है कि वे दोबारा गलती नहीं करेंगे। हम ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, ना भाजपा के साथ। फ्लोर टेस्ट हुआ तो पार्टी निर्णय लेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों, खासकर खाड़ी देशों से आ रही फ्लाइट्स के जरिए सोना तस्करी की घटनाएं सामने आईं। सोमवार को भी जयपुर एयरपोर्ट पर गो एयरवेज की फ्लाइट से रियाद से जयपुर आए यात्री से 220 ग्राम सोना पकड़ में आया। खबर के मुताबिक तस्करी किए जा रहे सोने को तालों में छुपाकर लाया जा रहा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11 लाख रुपए के करीब है। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई सहित खाड़ी देशों में प्रमुखता से कामगार आ रहे हैं। टिकट के साथ कुछ राशि लालच देकर इनसे अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर सोना तस्करी करवा रहे हैं। कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस विंग इस पर निगाहें रखी हुई है। मुख्यमंत्री गहलोत के तीखे हमलों पर सचिन पायलट ने भी जवाब दिया। पायलट ने कहा, इस तरह के बयानों से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं। राजस्थान में सरकार के नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है यह हमला। मेरी इमेज खराब करने की कोशिश है। जिन्हें विधायकों ने मुझ पर खरीद फरोख करने के आरोप लगाए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की सियासत में उठा सियासी तूफान अभी तक थमा नहीं है। इस समय सीएम अशोक गहलोत के तेवर काफी तीखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिग्गज आईटी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ अरविंद कृष्ण से बात की। ये वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने आईबीएम और भारत के बीच मजबूत संबंधों और देश में इसकी व्यापक मौजूदगी की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करीब 20 शहरों में आईबीएम में 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इस दौरान व्यापार पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के असर पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, वर्क फ्रॉम होम को बड़े स्तर पर अपनाया गया है और सरकार इसके लिए बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और विनियामक वातावरण प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि तकनीकी बदलाव सुचारू रूप से हो। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।